लड़कियों का बात किया। हमने यार स्थानीय जो लोगों से और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर है उसके जो बात की थी उसके हिसाब से इसमें करीब 50 लोग अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनमें से 30 लोग तो विभिन्न अस्पतालों में है, जिनमें से 5 लोग पीजीआई रेफर किए गए हैं। कुछ लोग, ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग भाग के अपने घर चले गए, उनके हम वेरिफिकेशन अभी करा रहे कि कितने लोग हैं। और जो मिसिंग लोग हैं, कुछ लोग अभी मिसिंग है, उनके हमें अंदेशा कि वो अंदर ना फंसे हो, तो उनकी उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। कारण क्या रहे सर, इसमें कुछ सामने आया प्राथमिक जांच? कारण अभी तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये परफ्यूम बनाने की कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री है और इसमें बहुत सा केमिकल्स होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, हो सकता है किसी की कोई नेग्लिजेंस हो या क्या हो, उसके तो हम फॉरेंसिक लैब से जो एक्सपर्ट आएंगे वही उसके बारे में बताएंगे कि किसके प्रशासन की ओर से कोई घायलों को फौरी राहत, क्योंकि कैजुअल्टी अभी तक कोई भी। हाँ, अभी हमारे एसडीएम साहब वही हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो अभी उनके बात कर रहे हैं, जो भी उनके लिए जरूरी राहत होगी, जो भी कोई उनके लिए सहायता होगी वो हम लोग कर रहे हैं। काबू पा लिया गया है, कोशिश जारी है, काफी हमारे कोई 12-13 फायर टेंडर्स यहाँ लगातार आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ वाले प्रदेश से, हरियाणा से और इवन चंडी मंदिर आर्मी से भी हमने फायर टेंडर मंगवाए हैं, तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, पर अभी पूरी तरह से फायर को नियंत्रण में नहीं ला रहे। उद्योग के पास फायर अनुसूचित वो तो अभी जांच करेंगे, अभी तो हमारा काम अभी ये फिलहाल की किसी तरह से आग को बुझा के जो कई अंदर लोग फंसे हों, कोई वो वाला अभी हमारी प्रायोरिटी है। सर, रेस्क्यू के लिए कहां-कहां से टीम? रेस्क्यू के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम नालागढ़ से पहले ही पहुंच चुकी है, जैसे ही थोड़ा सा हमें मिल जाएगा ग्रीन सिग्नल की अब हम सेफली अंदर जा सकते हैं, तो अंदर अब रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी को भी बुलाया जाएगा? आर्मी को नहीं, एनडीआरएफ, मेरे ख्याल से हमारे पास एनडीआरएफ के पास काफी एक्सपर्टीज है, ये भी आर्मी का ही हिस्सा होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। सर, कुछ प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि जो जब स्टार्टिंग में फायर हुई काफी कम फायर थी और लोगों ने छतों से कूद कूद कर अपनी जान बचाई है। हाँ, ये बात सही है, जो लोग अभी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जो मेरे डॉक्टर साहब से बड़े डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं, तो उसमें कुछ ज्यादातर जो मल्टीपल फ्रैक्चर ही उनके जो चोट लगी है, कईयों की हाथ बाजू या कई कोई स्पाइंस भी में भी डैमेज लग रहा है, तो जान बचाने के लिए लोगों ने शायद पहले फ्लोर से या दूसरे फ्लोर से इस कंपनी छलांग लगाई होगी। हिमाचल के कर्मचारी कुछ ऐसे हैं या बाहर प्रवासी है हिमाचल? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है, वो हम लोग डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ लेबर सप्लाई करता है उसको, उसके लोग हमारे पास आ गए हैं, हम लोग बैठ के अभी उनके साथ सूची तैयार कर रहे हैं। सर, अंदर जो जितने लोग हैं उनकी कोई जानकारी है कितने लोग हैं? अभी कोई जानकारी नहीं है, हमें अंदेशा है कि कुछ लोग शायद जरूर अंदर फंसे होंगे। लोगों का कहना है फायर ब्रिगेड भी बहुत लेट पहुंची है सर, एक ही टेंडर पहले पहुंचा था सर, उसके कई घंटे के बाद जो है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे ही हमें सूचना मिली थी हमने इसको बड़े सीरियसली लिया था, और न केवल नालागढ़ से, बद्दी से और परवानों से फायर टेंडर मंगाए गए, बल्कि पंचकूला और कालका पिंजौर से भी हमने तुरंत वहाँ के प्रशासन से संपर्क किया, और क्योंकि जिस तरह की आग भड़की थी उस समय लग रहा था कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाएंगे, इसीलिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से मांग ली। जो साथ लगती कंपनियां थी इसको क्या साथ लगती कंपनी खाली करा दी गई, सारा कोई एरिया हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, अभी कोई वैसे कोई उनमें फैलने का कोई अभी कोई संभावना नहीं है।